हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड जो क्लास टेंथ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैथ और संस्कृत का जो एग्ज़ाम्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कई बच्चों में इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है कि हमारा मैथ का एग्ज़ाम पहले होगा या हमारा संस्कृत का एग्ज़ाम पहले होगा, तो इस वीडियो में आपको वही बताऊँगा कि आपका एग्ज़ाम कब और कैसे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताइए कि आपको जो आपके एग्ज़ाम्स हैं आपके 20 जून से लेकर 23 जून के बीच में होने हैं। 3 डेज़ के अंदर आपके ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से ऑर्डर आ चुका है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं जून 20 से लेकर 23 जून तक आपके एग्ज़ाम करवाने हैं। और ये भी न्यूज़ आई थी कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 15 जून को डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो कई बच्चों में ये कन्फ्यूज़न है कि हमारा संस्कृत का एग्ज़ाम पहले होगा या मैथ का एग्ज़ाम पहले होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो आपकी पुरानी डेट शीट थी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी डेट शीट सेट की जाएगी, क्योंकि आपका मैथ का एग्ज़ाम पहले था और संस्कृत का एग्ज़ाम आपका बाद में था। तो इसी को देखते हुए यानी मैथ का एग्ज़ाम आपका पहले और संस्कृत का एग्ज़ाम आपका बाद में ही रखा जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होगा। आगे जो बोर्ड्स, जो यूके बोर्ड्स आगे जो अपना डिसीजन लेगा वो आगे उस पर डिपेंड करता है, बट मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए कि पहले मैथ का एग्ज़ाम उसके बाद संस्कृत का एग्ज़ाम, क्योंकि जो हमारी पुरानी स्कीम है उसमें हमारा क्या था, 23 मार्च को मैथ का एग्ज़ाम था और उसके बाद हमारा 25 मार्च को हमारा किसका था, संस्कृत का एग्ज़ाम था। उसमें उसके अकॉर्डिंग ही हमारे क्या होंगे, आगे एग्ज़ाम्स हमारे होंगे। तो इसी तरीके से सीरियल जो जैसा था सीरियल वही रहेगा। आपका चेंज होने के चांस बहुत कम हैं। अगर चेंज होगा भी तो जैसे आप 20 जून को आप मान लीजिए आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं, तो 21 को आपका मैथ का हो सकता है और 23 को आपका संस्कृत का हो जाए। या अगर होगा तो एक ही दिन में, जैसे एक दिन मैथ का 21 को हो गया तो 22 को आपका संस्कृत का हो जाएगा, या हो सकता है संस्कृत का 21 को हो जाए या 22 को हो जाए, ऐसे ही एक आध दिन का ऊपर नीचे हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि एक 20 को और एक 23 को, दो दिनों के एक दिन की भी आपको हो सकता है हॉलीडे ना मिले, आपको एक दिन भी क्या कहते हैं छुट्टी का गैप ना मिले, आपके लगातार एग्जाम भी हो सकते हैं। बट यह है कि जो सीरियल पुराना वाला था सीरियल आपका वही रहेगा। तो दोस्तों, आपको मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है मैथ के उसमें एग्जाम में, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे कमेंट में लिखें कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन, या कोई भी आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरा हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।